तो भैया पंगा हो गया है, इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचा हूँ यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे आप लोग, तो आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा केदारनाथ का जो ट्रिप था वो फेल क्यों हुआ था। मैं पिछले साल केदारनाथ गया था और वो ट्रिप मेरा किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेटली। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से मेरा वो ट्रिप, केदारनाथ का ट्रिप जो सबका सपना होता है और मेरा भी सपना था, और वो क्यों ट्रिप पूरा नहीं हो पाया, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको शुरू से एंड तक की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, जो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो और वो गलतियां नहीं करोगे तो आपके साथ वो सब नहीं होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें थी जो मुझे सोचनी चाहिए थी, जो मुझे प्लान ज्यादा करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो ट्रिप शायद मेरा अब तक का सबसे अच्छा ट्रिप हो सकता था, बट देन किसी वजह से नहीं हो पाया। और अगर आपका प्लान है इन फ्यूचर केदारनाथ जाने का, तो भी इस वीडियो में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ कि वो आप प्लान करके जाना और आपके साथ ये सब चीजें नहीं होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, और जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी काम करते हैं, बैठ जाते हैं, आपसे बैठ के बातें करता हूँ, उसके बाद सारे डिस्कशन करेंगे। सो अभी लेट्स बैठ जाते हैं एंड देन विल टॉक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए, अपने मोस्ट अवेटेड ट्रिप केदारनाथ के लिए। तो बहुत सारी बाधाएं आने के बाद भी मैंने सोच लिया था कि भाई जाना तो है ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो रह रही थी। मैं बहुत तैयारी कर रहा था लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ रह जा रही थी, कभी कुछ। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी और अभी मैं निकल गया हूँ अपने ट्रिप पर। है 9 अक्टूबर और टाइम हुआ है 5:09। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी रात का टाइम में तो वीडियो ज़्यादा अच्छी आएगी भी नहीं, तो अभी यहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके हाईवे पे आपसे मिलते हैं। तो 8 अक्टूबर 2020 को मैं दिल्ली से केदारनाथ गया था और बेसिकली उस टाइम में मेरे पास एक हीरो माइस्ट्रो थी और मेरा बहुत जाने का मन था। एंड नॉर्मली क्या होता है कि लोग पहाड़ों पर, केदारनाथ ही नहीं है, किसी भी ट्रिप पर स्कूटी ले जाने से डरते हैं कि पता नहीं पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। बट देन मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने केदारनाथ किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो ऑन माय हीरो माइस्ट्रो। और मेरी माइस्ट्रो बहुत अच्छी कंडीशन में थी तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो उसके बाद मैंने पैकिंग वगैरह की, मैंने क्या पैकिंग की, क्या सामान लेकर गया था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लेना, आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। तो मैंने पैकिंग वगैरह की और मैं 8 अक्टूबर 2020 को निकला। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके दो रीजन थे। सबसे पहली चीज, वो मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप था, और दूसरी चीज वो भी स्कूटी पर। तो एक तो हीरो माइस्ट्रो स्कूटी पर, ऊपर से सोलो ट्रिप, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन, वो एक्चुअली में पहला रीजन होना चाहिए कि मैं केदारनाथ जा रहा था, जो बहुत लोगों का सपना होता है कि केदारनाथ के दर्शन लाइफ में एक बार हो जाए। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा लेट्स गो और मैं निकल गया, बहुत एक्साइटेड था। मैंने पेट्रोल का टैंक लिया, वो सब फुल कराया और उसके बाद आई वेंट। और हरिद्वार तक बहुत अमेजिंग रोड थे, बहुत क्लियर रोड थे, तो मैं मेंटेन कर रहा था 70-80 की स्पीड और मैं आराम से चल रहा था। दिल्ली से हरिद्वार तक पहुंचने के बीच में मैंने एक ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने एक पराठा और एक चाय पी थी। तो उसके बाद जब हरिद्वार मैंने क्रॉस किया, उसके बाद रोड्स थोड़े से खराब हो गए थे और थोड़ा रोड पर जाम भी था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था पहुंचने में। तो दिल्ली से लेके हरिद्वार तक अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कम से कम अराउंड 4-5 घंटे लगते हैं। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बट थोड़ा थोड़ा बॉडी बॉडी में पेन होने लगा था, बहुत ज्यादा पेन नहीं, इनिशियल स्टार्ट हुआ था। बट मैंने कहा नहीं, मुझे पहुंचना है, क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि बहुत इजी तो नहीं होने वाला है। तो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद जैसे ही पहाड़ आया, उसके बाद तो एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ गया था, जितना भी बॉडी में पेन वेयर हो रहा था सब खत्म हो गया था। सबसे बड़ी चीज की कोरोना में 4-5 महीने घर पे बैठने के बाद जब आप पहाड़ों पे पहुंचते हो ना, वो फील भाई बहुत अमेजिंग था। ऋषिकेश तक बहुत अच्छे रोड थे, लेकिन ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद रोड्स थोड़े खराब हो गए थे और रोड्स की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा टूटे फूटे रोड थे।
और नॉर्मली देखो क्या होता है कि स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, तो थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा बट मुझे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा था। एक तो आप बहुत ज्यादा तेज नहीं चला सकते और बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा था। दो स्कूटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पहाड़ों पे भी स्कूटी का जो एक्सेलरेशन था बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो मैं मैप देखकर आगे बढ़ता जा रहा था, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके मैंने एक ब्रेक और लिया, एक चाय पी। तब तक हाँ मेरी बैक में थोड़ा पेन होने लग गया था और मेरे बम्प्स भी पेन करने लग गए थे क्योंकि जो स्कूटी की सीट थी बहुत स्टिफ थी। मुझे नहीं इतना आइडिया था कि जो सीट्स होती है मुझे वो भी सही करानी है। तो तब तक बैक पेन और बम्प्स में पेन होने लग गया था, बट एक्साइटमेंट लेवल इतना था पहुंचने का कि भाई पहुंचना है तो पहुंचना है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली से रुद्रप्रयाग रुकूंगा, रुद्रप्रयाग में स्टे करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। तो मैं मैप फॉलो करके जा रहा था, रास्ता ऑब्वियसली खराब था, तो मैंने कहा चलो मैप लगा लेते हैं, मैप से पहुंचना ईजी हो जाएगा। नॉर्मली सब लोग यही फॉलो करते हैं, मैप से जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग जब सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था तभी मुझे रोड पर जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो रोड पे मजदूर लगे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आगे रास्ता बंद है। आई वॉज लाइक व्हाट? तो मुझे लगा कि आई डोंट नो, मैंने मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं आगे चलते हैं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं वहां से अराउंड 5-10 किलोमीटर और आगे गया तो उसके बाद एक और मुझे क्रेन वाला मिला, उसने बोला कि भैया आगे मत जाओ, आगे रास्ता बंद है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक शिट। तो यार एक डाउट है, एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे। पीछे कुछ लोग थे, वो बोल रहे हैं कि रास्ता आगे बंद है। बाकी पता नहीं, अभी कुछ बाइक्स और गाड़ियां तो गई हैं आगे, अब देखना पड़ेगा आगे जाके। और ये रास्ता इतना ख़राब है यार, पूरा रास्ता ही ख़राब है, मतलब रोड तो है ही नहीं। देखना पड़ेगा आगे जाके कि क्या है, बंद हुआ तो भाई सीन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। बंद आगे, क्या कह रहे भैया? बंदी है तो जाएंगे कैसे, कोई और रास्ता है? अच्छा ऋषिकेश जाना पड़ेगा, और वहां से कितना पड़ेगा भैया? अच्छा मुझे केदारनाथ जाना, रुद्रप्रयाग जाना है। अच्छा 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 वो रास्ते इधर निकलेगा। तो भैया पंगा हो गया है। तो उसके बाद क्रेन वाले ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उसे बताया केदारनाथ। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ से आपको ऋषिकेश वापस जाना पड़ेगा, जो अराउंड 50-60 किलोमीटर था। उसके बाद कोई और रास्ता कटता है गांव से, जो राजेंद्र नगर से निकलता है शायद, वो रास्ता समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर वापस जाना एंड देन उसके बाद 150 किलोमीटर घूम के फिर आप रुद्रप्रयाग आओगे, उसके बाद आगे जाओगे। तो ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आई वॉज लाइक ब्लैंक, आई वॉज शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया। मैं दिल्ली से ट्रैवल करके आया हूँ, शायद मैं सुबह 5 बजे निकला था और दोपहर के 3 बज रहे थे, समवेयर अराउंड 10 घंटे की ड्राइव करके, जिसमें मैंने 2 ब्रेक लिए थे शायद 15-15, 20-20 मिनट के। इतना ट्रैवल करके मैं आया एंड रास्ता बंद है, सीरियसली बता रहा हूं। उस टाइम पर मैं उसी जगह कम से कम 10-15-20 मिनट खड़ा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं सैटरडे संडे में गया था और मुझे लगा कि सैटरडे संडे में ये ट्रिप पूरा हो जाएगा, और अगर मैं उस रास्ते से जाता तो मेरा वो डे सिर्फ ऋषिकेश पहुंचने में खत्म हो जाता, उसके बाद रात हो जाती, रात को ड्राइव में करना नहीं चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उस रास्ते को कवर करता, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग आता, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से ट्रैक। तो वो 2 या 3 दिन में जो ट्रिप था वो मेरा 5-6 दिन का बन जाता। तो उस टाइम पर मैं उतना ज्यादा टाइम लेकर नहीं गया था, तो सीरियसली बता रहा हूँ वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई जिसके बाद मैं पैनिक कर गया
कि मेरी स्कूटी में से कुछ आवाज आने लगी खड़खड़ की। जाना पड़ेगा वापस 40 किलोमीटर। उसके बाद वहां से 220 किलोमीटर दोबारा, मतलब कितना हो गया 250 किलोमीटर। तो आई वॉज लाइक कि यार ये क्या हो गया कि अगर मैं वो रास्ते से जाता भी हूँ तो भाई स्कूटी कहीं रास्ते में खराब ना हो जाए। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ तो मैं वापस कैसे पहुंचूंगा। और सीरियसली जैसी स्कूटी गड्ढों में और खराब रोड पे चल रही थी उसमें खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। मैंने कहा लेट्स गेट बैक टू ऋषिकेश, ऋषिकेश तक पहुंचते उसके बाद देखते क्या करना है। और ऋषिकेश तक पहुंचते पहुंचते वो आवाज और ज्यादा बढ़ गई थी। सीरियसली आई वाज लाइक कि यार अब क्या करूं। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना ट्रैवल करने के बाद ये सब चीज हो रही थी। मुझे लगा कि भाई ये जो केदारनाथ पहुंचना इतना आसान नहीं है और भोले बाबा इतनी आसानी से दर्शन नहीं देने वाले, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। और मैं सह रहा था क्योंकि एक तो बैक बहुत पेन कर रही थी, वो सब तो चलो ठीक है, और स्कूटी में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं ऋषिकेश तक आया तो बहुत ज्यादा स्कूटी में आवाज आने लग गई थी, तो मुझे लगा कि यार आई डोंट नो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर बीच रास्ते में पहाड़ों में स्कूटी खराब हो गई और नहीं चली तो पता नहीं क्या होगा। तो आई डिसाइडेड, और बहुत मुश्किल से, बहुत मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा डिसीजन था कि चलो वापस चलते हैं। 10 घंटे ऑलरेडी ड्राइव कर चुका था, सॉरी 11 घंटे ऑलरेडी ड्राइव कर चुका था। एंड इतना दिमाग खराब हो गया था कि मेरे माइंड में ये तक नहीं आया कि मैं ऋषिकेश रुक सकता हूँ, तो मैंने सोचा अब दिल्ली ही वापस जाके रुकूंगा। 11 घंटे ड्राइव करने के बाद ऋषिकेश में आई डिसाइडेड कि अब मैं वापस जाके और ड्राइव करूंगा दिल्ली तक पहुंचने के लिए, जो कम से कम 7-8 घंटे की ड्राइव और थी। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, और मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करूं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देख ही जाएगी अब जो होगा, क्योंकि अब दर्शन नहीं हुए तो घर ही पहुंचेंगे। तो मैं ऋषिकेश से निकला, वहां से थोड़ा सा आगे गया, उसके बाद हरिद्वार क्रॉस करके मुझे एक मार्केट मिली, वहां पे मैकेनिक मिला। सॉरी बहुत पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूं तो बहुत पसीना आ रहा है। तो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद मुझे एक मार्केट में मैकेनिक मिला। मैंने उसे बोला कि मेरी स्कूटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर दिल्ली पहुंचते पहुंचते भी स्कूटी खराब हो गई तो काम हो जाएगा, बीच रास्ते में अटक जाएंगे ना इधर के ना उधर के। तो मैंने मैकेनिक को स्कूटी दिखाई एंड वो मेरे लिए सेकंड शॉक ऑफ द डे था। बताता हूं शॉक ये था कि स्कूटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सिर्फ एक साइलेंसर का बोल्ट लूज हुआ था जिसे उसने शायद 10 सेकंड में टाइट किया और स्कूटी की आवाज हुई बिल्कुल बंद। उस टाइम पर मुझे रियलाइज हो गया, मुझे समझ आ गया कि आज का दिन मेरे लिए सही नहीं है, टुडे इज द बैड डेस्ट डे ऑफ माय लाइफ शायद। उसके बाद मेरा दिमाग और खराब हो गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, अब तो मैं दिल्ली जाऊंगा, अब तो मैं घर ही जाऊंगा। उसके बाद मैंने 8 घंटे की ड्राइविंग की, 11 घंटे करने के बाद 8 घंटे, और मैं रात को अराउंड 11:30-11 बजे दिल्ली पहुंचा था। कैन यू इमेजिन कि सुबह 5 बजे से चला हुआ रात को 11 बजे तक कंटिन्यूसली ड्राइव की मैंने, और उस दिन मैंने अराउंड 550 किलोमीटर स्कूटी एक दिन में चलाई थी, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 बार चाय पी थी और एक परांठा खाया था। रास्ते में हरिद्वार क्रॉस करने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ था कि मेरी नेक, मेरी बैक और मेरे बम्स इतने पेन कर रहे थे, मुझे हर 15-20 मिनट आधे घंटे बाद स्कूटी से उतर के 5 मिनट का गैप लेना पड़ रहा था, बट देन मुझे वापस पहुंचना था, मैं पहुंच गया। तो उस दिन जब मैं घर पहुंचा उसके बाद 2 या 3 दिन तक मैं बहुत शॉक में था कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा ट्रिप पूरा नहीं हुआ। तो मुझे समझ आ गया कि भाई केदारनाथ के जो दर्शन है, भोले बाबा दर्शन इतने आसानी से नहीं देंगे, उसके लिए आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे जैसे मैंने सहे। एंड एट दैट डे आई डिसाइडेड कि चाहे कुछ भी हो जाए नेक्स्ट ईयर मैं जरूर जाऊंगा, जैसे ही केदारनाथ के मंदिर के कपाट खुलेंगे मैं जाऊंगा। बट इस ईयर भी कोरोना का सेकेंड वेव आ गया, 17th of May को शायद डोर्स खुले थे, और सॉरी 17th of May को शायद कपाट खुले थे, बट अभी कोरोना है, बट स्टिल मेरा जो हौसला है वो भी टूटा नहीं है। जैसे ही ओपन होगा सबसे पहले ट्रिप में केदारनाथ का ही करूंगा। तो अब मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जो गलतियां मैंने की थी, और अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो आप भी ये सब गलतियां मत करना, क्योंकि ये सब गलतियां ना करके और इन चीजों का ध्यान रख के आपका केदारनाथ का ट्रिप बहुत बढ़िया होने वाला है।
सबसे पहली चीज, केदारनाथ का जो ट्रिप है वो 2 दिन का नहीं है, आपको अच्छे से टाइम लेके जाना है, क्योंकि रास्ते में नहीं पता आप कभी थक जाओ, आपको कहीं रुकना पड़े, तो जो कैलकुलेशन होती है ना आपकी पहाड़ों पे जाके, सब कैलकुलेशन खराब हो जाती है। तो आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हो उससे अलावा 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलो। दूसरी सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि पहाड़ों में कभी भी मैप पे ट्रस्ट मत करना। मैं मैप के थ्रू ही गया था और मैप मेरे को उस रास्ते से लेकर चला गया। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने वहां पे जाके लोकल से नहीं पूछा कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। तो आपको कभी भी अगर रास्तों के बारे में नहीं पता हो और आपको जब भी पूछना हो तो लोकल से पूछ के जरूर जाना, क्योंकि उन्हें जरूर पता होता है, उन्हें 100% पता होता है कि कौन सा रास्ता खुला है या कौन सा रास्ता बंद है। आप लोकल से पूछ कर जाओगे या आप पुलिस वालों से पूछ सकते हो, आप उनसे पूछ कर जाओगे तो आपको ये वाली दिक्कत जो मुझे हुई है वो नहीं होगी, क्योंकि मैं मैप के थ्रू गया था और मैप मुझे बंद वाले रास्ते से ही ले गया। अगर मैप में कहीं भी ये मेंशन होता कि वो रास्ता बंद है आगे, तो मैं नहीं जाता, फिर मैं लोकल से पूछ के जाता, किसी से पूछ के जाता, और मेरे साथ ये नहीं होता। और अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोलो ट्रिप पर जा रहे हो तो कभी भी डेस्टिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट मत करना। मैं डेस्टिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठा था कि मुझे रुद्रप्रयाग पहुंचना है, जिसकी वजह से मैं जर्नी को इंजॉय नहीं कर रहा था, वो थोड़ी सी मेरे लिए बोरिंग हो गई थी और थोड़ी पेनफुल हो गई थी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी डेस्टिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप जहां के लिए निकले हो वहां पर पहुंच ही जाओगे। अगर आप जर्नी को इंजॉय करते हो तो आप कभी भी बोर नहीं होगे, और नेचर को एंजॉय करते हो तो कभी भी आपको वो चीज बहुत भारी नहीं लगेगी। अगर आपको 1 दिन में पहुंचना है तो हो सकता है 2 दिन में पहुंच जाओ, लेकिन वो जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत अमेजिंग हो जाएगी, जो मेरे से गलती हुई थी। तो इसीलिए डेस्टिनेशन पर इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो टाइम कैलकुलेशन है, मोस्टली पहाड़ों पर जाके गलत ही होती है, और जितना टाइम आप सोच के जाते हो उससे ज्यादा ही टाइम लगता है। तो डेस्टिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट ना करके अपनी जर्नी को एंजॉय करो, नेचर को देखो, फील करो, पहाड़ों में एंजॉय करो, और आपका डेस्टिनेशन जब आप पहुंचोगे ना वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ आप कैसे पहुंच सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बेसिकली 3 तरीके हैं, बस, ट्रेन और बाय रोड। अगर आप ट्रेन या बस से जा रहे हो तो आपको हरिद्वार तक ही ट्रेन या बस पहुंचा सकती है, उससे आगे जाके आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो टैक्सी आपको सोनप्रयाग तक पहुंचाती है। तो ये है तरीका। और उसके अलावा बाय रोड जा सकते हो, बाइक से या फिर अपनी गाड़ी से। अगर आप बाइक या गाड़ी से जाते हो तो आप दिल्ली से सोनप्रयाग तक जा सकते हो, और सोनप्रयाग में आपको अपनी गाड़ी और बाइक पार्क करनी पड़ेगी। तो अगर आप गाड़ी या बाइक से जा रहे हो तो आप सोनप्रयाग तक जा सकते हो, और वहां पर जाकर आपको अपनी गाड़ी और बाइक पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आगे व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है। और सोनप्रयाग के बाद वहां से टैक्सी लेनी पड़ती है जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचाती है, जो 40 रुपीज चार्ज करती है। और गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक का जो ट्रैक है वो 16-17 किलोमीटर का है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीच केदारनाथ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड आई प्रोमिस कि अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका केदारनाथ का ट्रिप बहुत ज्यादा अमेजिंग और मेमोरेबल हो जाएगा, और आप ये सब गलती नहीं करोगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये सारी गलती मुझसे हुई, या फिर इन सब चीजों का मैंने ध्यान नहीं रखा, इसीलिए मैं वो ट्रिप पूरा नहीं कर पाया, और अभी भी आई एम मैड कि मैं कब जा पाऊंगा। एंड सीरियसली वो मोमेंट बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस, दिस इज अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, और जब मैं केदारनाथ जाऊंगा तो आप मेरी जर्नी में मेरे साथ रहो। तो बस गाइस, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखना, एंड ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल।